हेलो एवरीवन, 94.3 MyFM से मैं हूँ आरजे प्रिया और मैं लेकर आई हूँ एक जियो दिल से स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो हमें जीना सिखाती है, मुश्किलों से कैसे आगे बढ़कर खुद की मंजिल को पाया जाए ये सिखाती है। और आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो कहानी है एक किसान की। एक धर्मपरायण किसान एक गाँव में रहा करता था, जी हाँ, लेकिन कई बार उस किसान के साथ बड़ी विचित्र चीज हुआ करती थी। कई बार तेज बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, इन सब चीजों से उस किसान की फसल खराब हो जाया करती थी। एक बार वो दुखी होकर भगवान के मंदिर चला गया और भगवान से कहा, भगवान क्या आपको इतना भी नहीं पता है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है? वैसे तो आप परमात्मा है, पूरी दुनिया आपको पूछती है, लेकिन क्या आपको इतना भी नहीं पता खेती बाड़ी कैसे करते हैं? तो जानते हैं आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं, अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? तो किसान कहता है, एक मौका दीजिए मुझे, एक साल मैं अपने अनुसार इस मौसम को चलाना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं, तथास्तु वत्स। और उसके बाद ऐसा होता है कि किसान के अनुसार सारे मौसम हो जाते हैं, उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है, लहलहाती है, खुशी खुशी के मारे वो फसल काटने तो चला जाता है खेत में, लेकिन एक चीज उसे बहुत दुखी कर देती है, फसल की जो बालियां होती है ना, गेहूं की बालियां, उनमें बीज नहीं होता है। फिर वो रोने लगता है, दुखी होता है और कहता है, भगवान ये क्या किया? तो जानते हैं भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जिन बीज को मुश्किलों का सामना करना था तूने तो ओले, तूफान, आंधी इन सबको आने ही नहीं दिया, तो ये बीज कैसे शक्तिशाली बनते? इसीलिए तो वो बीज खोखले रह गए, वो बालियां खोखली रह गई। इसीलिए तो सही कहा जाता है, जिंदगी में जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, हम मजबूत कैसे बनेंगे, कैसे हम में शक्ति आएगी और कैसे हम स्ट्रांग बनकर अपनी मुसीबतों को दूर करते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो यही है वो जियो दिल से स्टोरी। सुनते रहिए 94.3 MyFM, जियो दिल से।